प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आउं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध सरकार जे नए मकानी निज़ाम ख़िलाफ़ु सिंध असेंबली में गॾियल अपोज़िशन हाणे मैदान में अची वई आहे। जमात इस्लामी खां पोइ अॼु गॾियल अपोज़िशन कराची प्रेस क्लब ते पहिरियों धरणो ॾिनो आहे। अहिड़े प्रोग्राम में हिते ॻाल्हाईंदासीं त जॾहिं निज़ाम लागू थी चुको आहे त पोइ अपोज़िशन जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, हाणे छा अपोज़िशन फ़ैसिलो कयो आहे त उहो रोडनि ते अची वेंदा। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त पीपी वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु ऐं पीटीआई वरी सिंध सरकार जे ख़िलाफ़ु 27 फरवरी ते रैली कढण जो ऐलान कयो आहे। हीअ का पॉलिटिक्स थिए पई, इन जा मक़सदु कहिड़ा आहिनि, इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त तरीक़े इंसाफ़ बाज़ाबता तौर ते असेंबली जे फ्लोर ते कराची खे रेंजर्स हवाले करण जो मुतालबो कयो आहे। इन्हनि टिनि मौज़ुनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जीडीए जो सिंध असेंबली जो अॻवान, सिंध असेंबली जो मेंबर ऐं मर्कज़ी अॻवान जनाब हसनैन मिर्ज़ा साहिबु, ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदी हीर सोहु साहिबु आहे, पाण पीपल्स पार्टी जी मर्कज़ी अॻवान आहिनि ऐं सिंध असेंबली मेंबर आहिनि। हुन सां गॾोगॾु जमाल सिद्दीकी साहिबु हूंदो, पीटीआई जा सूबाई अॻवान आहिनि ऐं तरी ऐं सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि। हसन मिर्ज़ा साहिबु, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त इहो ॿुधाइजो त बुनियादी तौर ते इहो को मकानी निज़ाम आहे, अव्हां खे कहिड़नि कहिड़नि शिकनि ते एतिराज़ु आहे? छाकाणि त पीपल्स पार्टी त दावा पई करे त असां हिन निज़ाम खे लागू करण खां अॻु में तमामु स्टेक होल्डर सां गुफ़्तगु कईसीं, उन्हनि जूं तजवीज़ूं वरितियूं थियूं, बाद में असां हीउ निज़ाम लागू कयो आहे। अव्हां खे एतिराज़ु कहिड़नि शिकनि ते आहे? तव्हांजे प्रोग्राम जे थ्रू यकीन सिंध जी आवाम जी मज़ीद हिन इशू ते आगाही पवंदी। ॾिसो, गॾियल ऑपोज़िशन हिकिड़ो प्रोग्राम कयो हो, 12 तारीख़ ते सॾु ॾिनी हुई सभिनी ज़िले ई हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुज़ाहिरनि जी प्रेस क्लब जे साम्हूं। ज़बरदस्त उहे प्रोटेस्ट थिया, भरपूर रिस्पॉन्स मिलियो। सभु सिंध जे नंढा वॾा अज़ला हेडक्वार्टर्स में आवाम जी वॾी अंग में माण्हू निकिरी करे हिन कानून खे रिजेक्ट कयो। अॼु जी सॾु हुई पंहिंजे सूबाई दारुल ख़िलाफ़ा कराची प्रेस क्लब जे साम्हूं। अलाह जी महिरबानी सां एॾो वॾो मजमू कठो थियो। ऐं सम्झां थो इहो ओपन चैलेंज आहे ज़ेर इक़्तदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ, जेको 14-15 साल में जेको गवर्नमेंट में रही आहे, जे भले हू बि ज़ोर आज़माए ॾिसनि, ॾिसूं हुननि जी सॾ ते केतिरा माण्हू हू गॾु करे सघनि था। बट अॼु वाज़े हिकिड़ो रेफरेंडम आयो आहे, सिंध जे शऊर हिन सारे सिंध लोकल गवर्नमेंट बलदियाती कानून खे 2013 वारे खे मुकमल तौर ते मुस्तरद कयो आहे। अहिड़ा बुनियादी शिकू आहिनि या जेको पीपल्स पार्टी ॿुधाए थी पई। अनफॉर्चुनेटली मूंखे इहो चवणो पियो ऑन रिकॉर्ड के पीपल्स पार्टी ग़लति बयानी कूड़ जो सहारो वठे थी पई। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड के ऑपोज़िशन प्राइवेट मेंबर बिल जे थ्रू लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो मुकमल मुसवदा September 2020 में, अॼु खां तक़रीबन 1.5 साल पहिरीं सिंध असेंबली में पेश करे चुकी आहे। हाणे जेको आमराना जेकी सोच आहे पीपल्स पार्टी जी, हू इहो इदारो जंहिं पाकिस्तान खे वजूद में आंदो हुनखे एतिरो यरगमाल ठहियल आहे, जो ही तक़रीबन 16-17 महीना गुज़रण जे बावजूद उहो कानून ऑपोज़िशन मेंबरनि जो उहो फॉर डिस्कशन या कंसिडरेशन लाइ उहो अॼु ॾींहं ताईं कोन आणियो वियो। ॿिए पासे आमराना हिननि जो जेको तरीक़ेकार आहे, तव्हांखे ख़बर हूंदी के हिकिड़ो बि ऑपोज़िशन जो मेंबर को बि स्टैंडिंग कमिटी जो मेंबर कोन्हे। नॉर्मली को बि कानून पास करण जो जेको तरीक़ेकार रूल्स में लिखियल आहे, रूल 95 खां वेंदे 110 ताईं सॼो प्रोसीजर ॼाणायल आहे की कानून कीअं आंदो वेंदो, इंट्रोड्यूस कीअं कयो वेंदो असेंबली फ्लोर ते, उहो रेफर थींदो स्टैंडिंग कमिटी खे, हुते ब्रेड बेर हुन ते डिबेट थींदी। हुन कमिटी में प्राइवेट सिटीज़न्स खे बि ज़रूरत पई या कामूरनि खे ज़रूरत पई त घुराए हुननि सां बि ब्रीफिंग वठबी। हुते जॾहिं फ़ैसिलो थींदो या हुननि जा जेका तजावीज़ हूंदा उहो पोइ वरी ईंदा असेंबली फ्लोर ते, जिते सभु पब्लिक जा मैंडेट होल्ड कंदे चूंडियल MPs हुन ते वरी बहस कंदा ऐं पोइ पास कबो। इहो तक़रीबन 3 हफ़्तनि जो प्रोसेस एज़ पर रूल्स आहे। सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो मुसवदा पंहिंजे ई अराकीन सां लुकाए करे खणी थी अचे ऐं 15 मिंट जे अंदरि अंदरि सभु प्रोसीजर्स खे बुलडोज कंदे इहो पास करे सिंध जी आवाम ते मुसलत करे थी। त यकीन इहो सवाल थो पैदा थिए के अहिड़ी कहिड़ी शइ जंहिंजी पदादारी आहे, इहो कहिड़ा हक़ूक़ आहिनि सिंध जे माण्हुनि जा या आइनी फराइज़ आहिनि जेको ही सरअंजाम नथा पिया ॾियनि, जेको सिंध जे मुंतखब नुमाइंदनि सां बि हिननि लुकाइण जी कोशिशि कई। जी अच्छा, हीर सोहु साहिबु, हाणे अव्हां तफ़सीली मौक़िफ़ ॿुधो हसनैन मिर्ज़ा साहिब जो,
छा चवंदो, छा पीपल्स पार्टी खे इन ॻाल्हि जी ज़रूरत न पई त उहो तमामु स्टेक होल्डर खे गॾु वठनि ऐं पोइ हिकिड़ो गॾियल को फ़ैसिलो थिए हा, को गॾियल तौर ते को कानून लागू थिए हा, त बहितर न हो सिंध जी आवाम लाइ, अव्हां लाइ? छाकाणि त अव्हांजी शुरू खां इहा दावा रही आहे तव्हां सभिनी खे गॾु खणण वारी हिकु ॻाल्हि कयो था पिया, त सिंध असेंबली आहे अव्हां वटि, भले अपोज़िशन आहे पर सिंध असेंबली में तमामु पार्टियुनि खे गॾु करे अगरि अव्हां नयो को बिल आयो आणियो आहे त उहो बहितर न हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू सर, तव्हांखे अहम टॉपिक ते मौक़ो ॾिनो ॻाल्हाइण जो। ॾिसो, ही लोकल गवर्नमेंट जेको हिन वक़्तु बिल एक्ट पास थियो आहे, उहो अदासन वारा या अपोज़िशन जॾहिं बिल आयो हो, बिल खां अॻु में बि मुंहिंजे ख़्याल में एम क्यू एम सां ख़बर न आहे, हाणे आसनैन हुन शइ खे एडमिट कनि था नथा कनि, हिननि जूं ॿ टे मीटिंग्स थियूं ऐं हुन में केतिरियूं अमेंडमेंट आयूं, हुननि सजेशन्स केतिरियूं आयूं केतिरियूं न आयूं, ऐं जॾहिं बिल आयो उन खां पोइ बि कुझु हिन ते एतिराज़ ऑब्जेक्शन ते एतिराज़ हो, जेको तव्हांखे ख़बर आहे गवर्नर साहिबु वटि वियो, गवर्नर साहिबु रिफ्यूज़ कयो, वरी असेंबली फ्लोर ते आयो ऐं हुन में कुझु जेके ऑब्जेक्शन गवर्नर साहिबु हया हुआ उन्हनि ऑब्जेक्शन खे अमेंडमेंट खे चेंज कयो वियो ऐं वरी गवर्नर साहिबु लाइ वियो, लेकिन उन खां पोइ गवर्नर साहिबु वरी ऑब्जेक्शन लॻाया, जेको टियों दफ़ो असेंबली फ्लोर ते ऑटोमेटिकली अची एक्ट थी वियो। हिकिड़ी ॻाल्हि जेको तव्हां पाण खे कई हुई त बिल में जंहिं क्लास ते एतिराज़ हुजे, छा पावर चेयरमैन खे घटि मिलियल आहिनि, छा पॉपुलेशन जे बेस ते यूसी जेके ठाही वियूं आहिनि उहे ग़लति ठाही वियूं आहिनि, छा मेट्रोपोल जेको मेट्रोपोल किटी कयो वियो आहे कराची हुन सां गॾु अगरि हैदराबाद खे मीरपुर पास खे ख़तर कयो वियो, छा उहो ग़लति कयो वियो आहे, त कहिड़ी शइ कहिड़ो क्लास जेको सम्झो था त बाबा पावर में घटिताई थी आहे, बिल में कहिड़ी शइ आहे त असां ज़रूरु चाहींदासीं त उनमें ऐं बि चयो आहे लीडरशिप ऐं हिन बि चऊं था उहा जेकॾहिं का बि अहिड़ी शइ आहे त तव्हां ॿुधायो, ऐं फ्लोर जॾहिं तव्हांखे मिले थो त फ्लोर ते माडल सां अपोज़िशन जो रवैयो हूंदो आहे उहो तव्हांजे साम्हूं हूंदो आहे ऐं उनखे ईअं लॻंदो आहे त शायदि असेंबली खे मज़ाक बणायो थो वञे, जहिड़ो एटीट्यूड हूंदो आहे उहो तव्हांजे साम्हूं हूंदो आहे। ॿी ॻाल्हि कई अदा त माडल सां त स्टैंडिंग कमेटी जी आहे, स्टैंडिंग कमेटी में अपोज़िशन पंहिंजो ज़िद जी वजह सां स्टैंडिंग कमेटी में न आहिनि, अॼु बि उहे स्टैंडिंग कमेटी तक़रीबन 13 दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी जा चेयरमैन जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिनि उन्हनि में केर बि न आहे, अॼु बि असीं स्टैंडिंग कमेटी में जेके बि बिल ईंदा आहिनि लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर कमेटी जेको लॉ एंड पार्लियामेंट ई आहे उनजी आउं ख़ुदि मेंबर आहियां, हर बिल ते ईंदो आहे डिस्कस थींदो आहे डिबेट थींदी आहे, इहा असांजी बदकिस्मती आहे त उन फोरम खे अपोज़िशन जो जेको राइट आहे त उन्हनि खे उनजी चेयरमैनशिप मिलणु घुरिजे, किथे बि उहे कोन्हे, मां त उन्हनि खे कंहिं बि उन स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन न कयो आहे, को हेड न कयो आहे, तव्हां जेको पब्लिक अकाउंट कमेटी ॾिनल आहे सिंध में बि ॾियो, तव्हां सूबनि जी ॻाल्हि कयो, चइनि सूबनि ॿई ॿार वेठा आहिनि ॿुधायो वञनि, पंजाब में अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी कंहिंखे मिलियल आहे, केपीके में कंहिंखे मिलियल आहे, बलूचिस्तान कंहिंखे मिलियल आहे, टई गवर्नमेंट वटि रखियल आहिनि, के किथे बि टिनी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अपोज़िशन जो मेंबर न, ऐं उन जिदी जी वजह सां जेके शयूं अची वियूं ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जिदीअ जा ॿिनि टिनि मेंबरनि ॻाल्हायो त असां अचूं था ऐं विच में ॻाल्हियूं थी वियूं उहे उहे हिननि जी जिदी त असांखे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो चेयरमैन ॾींदा त थींदा त कोन ॻाल्हि, जंहिंजी वजह सां असां वटि 3 साल पोयां साल 4 साल निकिरी विया आहिनि, ऐं जेको हिननि जो रोल हो उहो रोल अदा न करे सघिया, ऐं यकीन उहो गेप आहे, ऐं आउं बदकिस्मत चवां थी त जेको अपोज़िशन जो स्ट्रांग रोल आहे जेको असेंबली में हुजणु खपे ऐं असेंबली जो आवाज़ थियणु खपे उहो रोल न आहे, बाक़ी बिल्कुलु जमहूरियत आहे ऐं एहतजाज कनि उन्हनि जो हक़ आहे उन्हनि जो इंतज़ार कनि, असां उन्हनि सां गॾु जो बीठा आहिनि हुजंदासीं, बाक़ी यकीन पार्लियामेंट आहे ताक़त आहे उनमें खणी ईंदा त हुन सां गॾु ईंदा। ठीकु आहे, अच्छा जमाल साहब, हाणे अवां हीर सोउ साहिब जो तफ़सीली मौक़िफ़ु ॿुधो, अवां देरि न करे छॾी रोडनि ते जॾहिं अचिणो हुयो अवांखे, त पहिरियों दफ़ो जॾहिं रिजेक्ट थियो गवर्नर साहिबु जॾहिं हीउ बिल रिजेक्ट कयो, तव्हां उन वक़्तु रोडनि ते अचो हा, अवां देरि न करे छॾी 2-2.5 महीना, हाणे को फ़ाइदो थींदो रोडनि ते अचण जो? कानून में एतिरी गुंजाइश आहे त जॾहिं ॿीहर असेंबली में वेंदो त असेंबली पास करे सघे थी, त उहो को लॉजिकल ॻाल्हि नथी करे, हीअ जस्ट हीर वटि को ॻाल्हि करण जे लाइ न आहे छा, जिन करे उहो हीर वटि को अचे मवाद न हूंदो ॻाल्हाइण जे लाइ, एॾो वॾो जेको कंबाइंड अपोज़िशन जो जेको मुज़ाहिरो थियो आहे
पर हीर मूंखे घबराहट थी लगे, परेशानी थी लगे। अच्छा, मां समझा तो हीर हीर के थोड़ो हौसलो रखणु खपे ऐं हीर खे समझणु खपे। अञा त सिर्फ़ इहो एतजाज रोडनि ते आयो आहे ऐं इन बंदियाती कानून जो जेको सूबाई असेंबली जो आख़िरी सेशन तव्हां ॾिठो हूंदो त फॉर्म जे करे सिंध असेंबली जो सेशन बि न घुरायो आहे न, त हाणे वरी मज़ाक जो सामनो करणो पवंदो। त ही बेसिकली टोटल कंट्रोल पंहिंजे हथ में रखण जी ख़्वाहिश ऐं कोशिश आहे पीपल्स पार्टी जी, सिंध गवर्नमेंट जी, के हू एतिरी हवास पाख़्ता थी वई आहे त हाणे हू चाहे थी त अगरि सियासत करणी बि आहे त हर शइ असांजे कंट्रोल में हुजे त पोइ असां सियासत कंदासीं। यानी अगरि हुकूमत आहे त पुलिस खे पंहिंजे मातहत रखी, पुलिस खे पोलिटिसाइज़ करे, माण्हुनि खे मुखालफ़ीन खे हरासा करे रखी रखणो आहे त असांजो रिट क़ाइमु रहे। इहा पुराणी पीपल्स पार्टी जी सोच आहे। ऐं हाणे जेको बंदियाती बिल आणियो आहे, मां त हिनखे कारो कानून कोन चवंदुमि, मां हिनखे बुज़दिल कानून चवंदुमि। अच्छा, ऐं बुज़दिल कानून बि इन सेंस में त एतिरी पीपल्स पार्टी ख़ौफ़ज़दा थी वई आहे त हाणे जेको तव्हां बंदियाती टाउन जी हल्का बंदियूं तव्हां ॾिठी हूंदियूं त कराची में जेतिरा टाउन नया ठाहिया विया आहिनि उन्हनि जी हल्का बंदियूं जंहिं अंदाज़ में कयूं आहिनि तव्हांखे हैरानी थींदी। त जेको मुंहिंजी कॉन्स्टिट्युएंसी आहे उन कॉन्स्टिट्युएंसी खे 8 यूसीअनि मां 12 यूसी करे छॾी वञनि। 12 यूसी जो बि टाउन आहे ऐं हिकिड़ो सोराब कोट जो टाउन हिकिड़ी यूसी जो बि आहे। अच्छा, त लॉजिकल ॻाल्हि थिए थी, नथी थिए न लॉजिकल ॻाल्हि, को सेंस वारी ॻाल्हि ई न आहे। अगरि तव्हांखे टाउन ठाहिणा आहिनि त तव्हांखे इक्वली ठाहिणु खपे। पर उहो टाउन जेको पहिरें सूबाई असेंबली जी सीट ठाही हुई सोराब कोट जी, जो हालीबाद शेख खटी, उहो बि हिननि पंहिंजे लाइ ठाही, हाणे बि हिननि टाउन पंहिंजे लाइ ठाहिया। त अगरि सभु कुझु तव्हांखे पंहिंजे लाइ ठाहिणो आहे, जंहिंमें सिर्फ़ु तव्हांजो ई मुफ़ाद हुजे, जंहिंमें न को सियासी मुफ़ाद हुजे, न को फलाही मुफ़ाद हुजे, न को अवामी मुफ़ाद हुजे, सिर्फ़ु तव्हांजो ई मुफ़ाद हुजे, त अहिड़ी सियासत। अच्छा जमाल साहब, अच्छा जमाल साहब, हाणे जेका हिन हल्का बंदी ठाही आहे, अव्हांखे सिर्फ़ु इन ते एतिराज़ आहे या बुनियादी तौर ते हिन ॿियूं शिकूं बि आहिनि अव्हां चओ पिया त उन्हनि ते बि अव्हांखे एतिराज़ आहे? मां त हल्का बंदियुनि जी ॻाल्हि त ॿुधायां थो, कारे कानून जी कंटिन्यूएशन में थो ॿुधायां। त सेकेंड फेज़ में हिननि जी हींअर 22 जेके बदमियत हल्का बंदियूं साम्हूं आयूं आहिनि, इहो मुंहिंजो सेकेंड फेज़ आहे कारे कानून खां पोइ। त असांखे त हिननि जे हल्का बंदियुनि ते बि एतिराज़ आहे, असांखे हिननि जे कानून ते बि एतिराज़ आहे, जंहिंमें सिर्फ़ु ही पंहिंजी मालिकी चाहिनि था, पंहिंजो इख़्तियार चाहिनि था, पंहिंजो कंट्रोल चाहिनि था। अच्छा जमाल साहब, जमाल साहब हाणे इहो कानून त लागू थी चुको आहे न, हिकु दफ़ो रिजेक्ट थियो, ॿिए भेरे असेंबली ॿिए दफ़ो पास कयो, हाणे उहो कानून त लागू थी चुको आहे। अपोज़िशन वटि हाणे हिकमत अमली कहिड़ी आहे? छा अपोज़िशन हाणे बाक़ाइदा तौर ते फ़ैसिलो कयो आहे त उहो रोडनि रस्तनि ते हूंदा? बिल्कुलु, असां वटि कानून लागू थी चुको आहे, असां हिन कानून खे कोन था मञूं। असां हिन कानून में तरमीम करण जे हक़ में आहियूं। अच्छा, असां अपोज़िशन जमातनि सां गॾिजी वियो, ठीकु आहे, सभु अपोज़िशन जमातनि जा पॉइंट ऑफ व्यू वठो, सभिनि जी राय शामिल कयो, पोइ हुनखे सूबे में लागू कयो। अगरि तव्हां पंहिंजी मनमानी सां या असेंबली में पंहिंजी मेजोरिटी सां तव्हांखे कानून खे इंपोज कंदो, तरमीम वारी ॻाल्हि कयो पिया त अमेंडमेंट कई वञे। भला मां हसनैन साहब, अवां छा अचण खां पहिरियां अगरि मां हीर सऊद साहिब खां इन पॉइंट ते हुन जा कमेंट सुणा, हीर सऊद साहिब, हींअर तरमीम जी गुंजाइश आहे पीपल्स पार्टी सम्झे पई त छाकाणि त सभिनी स्टेक होल्डर खे अगरि गॾु खणी हलणो आहे, तरमीम करे सघिजे थी? अवां सम्झो पिया त अगरि अपोज़िशन खे एतिराज़ आहे, तरमीम वारो ऑप्शन अञा ताईं आहे अवां वटि? हिन में इहो को इशू ई कोन्हे। अगरि किथे बि जेको को बि बिल में अमेंडमेंट कंहिं बि वक़्तु कंहिं टाइम ते थी सघे थी, उहो त इशू ई कोन्हे न। अगरि कंहिं बि क्लास ते कंहिं बि सेक्शन ते ऑब्जेक्शन आहे, अगरि उहो अवामी मतिलबु इज्तमाही ऑब्जेक्शन आहे, त हुन ते वेहनि, उहो अमेंडमेंट खणी अचनि, हुन ते डिबेट थियणु खपे। हुन अवाम खे ख़बर पए त कहिड़ी बि क्लास ते, जीअं हाणे जमाल चए थो त सेंसिस बाबा जेको आहे सोराब गोठी हिकिड़ी यूसी खे करे वियो आहे ऐं ॿियनि खे, अच्छा उहो मुंहिंजे ख़्याल में असांखे ख़बर हुजणु खपे त हिकिड़ी त यूसियूं जेके जनरली 2013 में उन्हनि यूसियुनि खे सेम टू सेम रखियो वियो आहे, किथे चेंजिंग न थी आहे। अच्छा ॿियो, तव्हां लोकल मतिलबु जेके उन में एतिराज़ वाराए सघो था, तव्हां इलेक्शन कमीशन में वञी सघो था, उहे बाक़ाइदा हर कंहिंजे पंहिंजे जुडिशन में वञी करे सघनि था। ठीकु आहे, कारो कानून आहे न, असां चवणो कोन्हे
बाकी वेही अञा भी वक्त वो ना अगर टेबल टॉक थे को हल निकरे तो हसन मिर्जा साहब हाँ हीर सो साहब आ मुझे हिसाब से ढी सुी गाल कही है तरमीम थी सके थी बीहर गाल बोल थी सके थी अगर बीहर गाल बोल जो दरवाजा खुलन था पाया तो जी डी ए किथे बीठी हुई जी डी ए चे पी तो गाल बोल जरिए मसलो हल थी वो तो सब गाल ये है कि तरमीम केतरी तरमीम कभी हुई कानून में केतरी तरमीम जो रिक्वायरमेंट है जैसे तक यो कानून देखो यो कुछ सिंधी आवाम के फलाह और बहबूद जो कानून थी सके 2013 का जो पीपल्स पार्टी की अददी अक्सरियत हुई आए मुसलसल जी जो ही कानून खड़ी आए उनमें 13 दफा हेयर जो मुझी भेण हेयर गाल करे पी जी दिस वॉज द 13th अमेंडमेंट टू द सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट सागी पार्टी सागी अक्सरियत 13 दफा पान तरमीम कर चुकी है असो मौको तमाम वाजे है कि इन कानून जो जो बेसिक फ्रेमवर्क है जी नीयत है वो आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मनफी है इनमें तेतरू भी तरमीमू कर छो वो पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स हेट थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मुंतकिल कर ही को तो सके यो कानून जो बेसिक फ्रेमवर्क बदनीयती बधल है आवाम के इख्तियारात के हड़प करण से आवाम के वसायल के खाण की नीयत से बधल है लिहाजा गडियल ऑपोजिशन जो तमाम क्लियर पोजिशन है कि इो 2013 वो एक्ट विथ ऑल ऑफ इट्स अमेंडमेंट्स यो रिपील थे आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से सिंध असेंबली के फोरम से स्पेशल कमेटी ठाई वे ठीक है सिंध के आवाम के मैंडेट से चूंडल जे भी पार्टी की उत रहनुमाई है वो उन कमेटी का हिस्सा थन स्टेक होल्डर्स के भी घुराया वे सिंध के शऊर के मुख्तलिफ बॉडीज हैं वकला बॉडीज हैं ट्रेड बॉडीज हैं उनके घुराया वे उन राय वरतो वे ठीक है अचो तो अड़ो कानून था जिनमें सिंध के मान की बिल्कुल सही पे अचो तो तमाम स्टेक होल्डर न सिर्फ असेंबली में अंदर जी सियासी पार्टियों असेंबली का बाहर जी सुनवंदन जी मुख्तलिफ सियासी समाजी पार्टियों उनके भी ऑनबोर्ड वरतो वे अगर हसन साहब हाँ तरमीम नी पे अवे एक गाल पाया स्पेशल कमेटी ठही वे अगर वह नी थे इन ही कानून तहत चूंडू थन थी पे तो जी डी ए उन चूंडन जो हिस्सों बणबी या जी डी ए चूंडन जो बायकॉट कंदी तमाम कमज़ वक्त है असर साहब यह गाल कर अस काफ़ी तजर्बात सामू हैं जी कोर्टन का भी दरवाजा है इलाही पिटिशन जमा थी वही हैं कुछ मजीद पिटिशन हेर कम थे तो वो भी जमा थे असके उम्मीद है कि इंसाफ जहा इदारा जो भी इन नजरसानी कदा बो अस ऑप्शन है आवाम की अदालत जो अमली मुजाहरो 12 तारीख से भी दिखो अज भी दिखो माजी में वनो हलो वे तो 2012 में जैसे सागी पीपल्स पार्टी एक बेटो निजाम लागू करण की कोशिश कई हुई जितने भी आवाम की अदालत हुई जो उनके रद्द कयो ठीक है पीपल्स पार्टी के मजबूर कयो के वो कानून वापस वठे समझो पे एक दफो बीहर पीपल्स पार्टी यो कानून जो का वो वापस वठंदी असके ये समझू को असके यकीन है अच्छा मैं यकीन मैंडेट पब्लिक जो पल्स ठीक वो असि दिसो पे फील पे कयो ठीक है जमाल साहब हसनैन मिर्जा साहब तो चवे तो ऑप्शन एक ऑप्शन है कानून असा कानून के दर खड़काइंदी बो है असा आवाम वट वी इन सागे कानून तहत अकवान लागू थी चुको है उन तहत अगर मकानी चूंडू थन थी पूँ तो गडियल अपोजिशन बायकॉट कंदी एक तो मुझे इन सवाल जो जवाब दीजिए बो यो तो पीटीआई हाँ बाकायदे तौर फैसलो किया तो सिंध सरकार के हर महास टफ टाइम दी वहाँ 27 फरवरी से को रैली जो ऐलान किया है ये पॉलिटिकली तौर से यो रिएक्शन है पीपल्स पार्टी के को पीपल्स पार्टी वफाक हुकूमत के खिलाफ रैली जो ऐलान किया है ऑप्शन तो असई है कानूनी ऑप्शन है एक रोडन जो ऑप्शन है सियासत में एहतजाज हर जमात जो कानूनी हक है इखलाकी हक है जी अपोजिशन की शक्ल में वफाक में पीपल्स पार्टी एहतजाज थी करे उन शक्ल में असा सिंध में एहतजाज था क्यों उन्होंने तो कोई डिमांड को रुगो महंगाई महंगाई हाई घोड़ा बस इन गाल में लगा पाया असा वो एक लॉजिकल शे जी सिंध की आवाम के बेहतर मुफाद के लिए है असा लॉजिकल स्ट्रगल था क्यों लॉजिकल एहतजाज था क्यों तो असा इनके मंत के अंजाम में पहुंचाई जो 27 दिसंबर 27 तारीख जो ऐलान किया एहतजाज तो जदे एड़ी करप्ट अपोजिशन
हिकड़ी सियानतदार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे सके थी वो असा बहसियत सियानतदार अपोजिशन सिंध की करप्ट अपोजिशन के खिलाफ ही एहतजाज करे सकूं था जी 27 तारीख से इतना निकलता अस घोटली का कराची चला निकलासी कराची का कराची पहुंची सीएम हाउस से असा पांजे मुजारे जो इजहार कंदासी इतने पहुंची असा पांजे एहतजाज जो इजहार कंदासी ऐ इन्हन के बुझाइंदासी ते घोटली का जदे शुरू थींदासी तो सिंध के आवाम के पर जमाल साहब सिंध हुकूमत दावा थी करे त असा जो कंपैरिजन कयो वने केपीके जी हुकूमत सा पंजाब जी हुकूमत सा त असा जी कारकर्दगी तो बेहतर है असा तो वे इदारा ठायान जिते बाहरा मुल्क जा मानु अची ते इलाज कराइन था पया त सेहत ही सहूलत असा दिनियो न असा काफी बेहतर कम कयो है एकड़ो पहरे एनआईसी मीटी के पिटंदा होया हाने ई गवर्नमेंट वाले सा अस्पताल के वती बाकी सूबे के अस्पतालन जे नन जे हाल त पुछो इन्हन का पुछो ना तो जो थर वा असा हर साल मरन मुख्तलिफ बीमारियों में कहीं थर वन को हेल्थ पॉलिसी जो ऐलान किया मुझी बीमारियों में हर साल हजारे बार उसे मरन वो उन्होंने तो कहीं को सोचो अगर कें फॉरन फंडेड से इन को सुनो अस्पताल ठाए भी सकता था तो उन अस्पताल के छोड़ो बाकी पूरे सूबे के तो ऐसो पूरे सूबे की हेल्थ फैसिलिटी के तो ऐसो खुदा गाड़ियों से मूँ पाँ लास्ट घर अस्पताल का घर खड़ी वा वो इन नजर न तो अचे सुबह की तालीम इनके नजर नी अचे सुबह जो मुस्तकबिल इनके नजर नो अचे पाकिस्तान कब्जा करण के लिए पंजाब ही केपीके से ठीक है हीरसू साहिबा अवा जमाल सिद्दीकी साहब जो बुधो त अवा त उन जो त यो चवण है त अवा त सुबह के तबाह कर छियो है हां फैसलो रोड ते थिंदो हीरसू साहब मुजो आवाज अवा ते अचे पियो अच्छा असो असा जो राबतो मुनकते थे जी हीरसो साहब असा बीहर राबतो थे तो अच्छा हीर जमाल साहब हाँ सत्तावी तारीख से ऐलान किया पीपल्स पार्टी भी सत्तावी तारीख से ऐलान किया कि खुदा ना खास्ता अगर तसादुम थे तो को टसल थे तो पो तो उनको जिम्मेवार केर हों अगर बो तो अमूमन नजर अचे तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में यो है अगर ब मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों जहाँ कारकुन आमू सामू थन था पाया तो मामला खराब थन था पाया खुदा ना खास्ता अगर ये थे तो सिंध हुकूमत होती है तो सिंध हुकूमत अपना लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करें तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी असानी जिम्मेदारी थोड़ी है सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर किथे टकराव थो किथे हंगामो थो को खुदा ना खासा को मू जख्मी थो को वफात थो कि मू की सची जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के इनकी एफ आई आर सिंध हुकूमत के मथा कटाइन चाहता अच्छा अच्छा ये को एहतजाज जो ऐलान किया रैली जो ऐलान किया है इन में गड़ियल अपोजिशन के भी दावत दींद या कि बी सिंध जो बी सियासी पार्टी जो एन टी पी पी वोट है जैसे वे तो वो सब अवं गड खी हलो या चो पा तो भी अकेले सिर्फ सिंध हुकूमत के खिलाफ रोडन से हों तो एनकेम होंगी जी डी ए होंगी फंक्शनल लीग सब अमातों इतिहादी सिंध में भी मरकज में भी असि कंबाइंड अपोजिशन कहीं यो को एहतजाज हों तो सिंध हुकूमत की अखियं खुली वो खबर पवी तो एहतजाज हों ये जो कराची में निकली कोशिश करन पा ना ये कराची का इस्लामाबाद तक पहुंचन तो सही इन हजार मार हो तो मुख्य चो पर एहतजाज हों ठीक है हीरसू साहिबा अवां जमाल सिद्दीकी साहब जो तफसीली मुख्य बुधो चो था हाँ फैसलो रोडन से थी चवंद बिल्कुल मुझे ख्याल में जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च जो ऐलान किया पीटीआई उतारदीन जो शायद वायु बताल थी वही वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी तमू आहली की वजह से न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान जो मानू परेशान है ताजे सामू आ अज जिनके कारो कानून पर बुधाइंदा तो इन वक्त महंगाई है दुनिया जो चौथों तेजी से महंगाई वधंदड़ मुल्क में है तहे सामू जी है वो डॉलर की प्राइस है पेट्रोल तमू आ पंद्रह जी तरह कीमतू वन थी गैस जी सब शे आवाम इन मजा बेजार है ये गाल तक रोडन की न सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अभी तो पूरा पाकिस्तान चाहे तो आम चाहे तो केर निकले वो चाहिए ना अदा जमाल दो 500,000 मानू इंदा तुम तैयारी रखो तुम दिल वी रखो अगर तुम के ताजी कारगर्दगी बेहतर है तो तुम केरे बेस से चाहो तो अभी जो रोटी का काशी ताई रैली कदना थी ठीक है हां यो 27 तारीख ते ही सत्तावी तारीख ते ही खबर पवंदी तो केर कें टफ टाइम तो दे कें रैली में हजारे लखे मानू हूँ वड़ी मेहरबानी हीरसू साहिबा हसनैन मिर्जा साहब
जमाल सिद्दीकी साहब हुआ टिन मौजू मेहमान की वही मेहरबानी। नाजरीन हाँ ये तो वक्त ही बुधाई दो तो अपोजिशन कड़ी सरकार के टफ टाइम थी दे पीटीआई सिंध हुकूमत के या पीपल्स पार्टी वफाक हुकूमत के टफ टाइम थी दे तो वक्त ही बुधाई दो पर इतने प्रोग्राम के वक्त पुजानी तो पचे असद मुमताज रखी इजाजत सदाई गड़।